सफर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। कब्रिस्तान की जमीन का हसूल मेरी जिंदगी का असीम तरीन मिशन है। कब्रिस्तान के हसूल के लिए शेख रशीद और राजा शफीक से मिलेंगे। रावलपिंडी जिंदगी की तक दो में हर शख्स इतना महरूम है कि मौत के फिक्र तक नहीं करता। रावलपिंडी यूनियन काउंसिल सतह पर कब्रिस्तान की जगह के हसूल के हवाले से पिंडी रख कब्रिस्तान कमेटी का कयाम अमल में लाया गया, जिसमे यूनियन काउंसिल 1 से यूनियन काउंसिल 8 तक के नाजमीन और नायब नाजमीन का एक हंगामी और अहम इजलास मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा इम्तियाज खान की रिहाइश गाह पर हुआ। इजलास में दीगर यूनियन काउंसिल से कदावर और हर दिल अजीज शख्सियत मलिक अजमल ताज, यूनियन काउंसिल 5-6 इश्तियाक गुल, ताहिर खान शनवारी, रियाज भट्ट, आबिद शाह यूनियन काउंसिल 2 और शेख एजाज यूनियन काउंसिल 3 ने शिरकत की। इजलास में इम्तियाज खान और मलिक अजमल ताज के अलावा सब जिम्मेदारों ने खिताब किया और इम्तियाज खान की काविश को सराहा कि उन्होंने अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अपने साथियों के साथ मलिक कब्रिस्तान के हसूल के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर जगह तलाश की और जिम्मेदार इदारों समेत वफाकी वुज़रा को भी मिले। मलिक अजमल ताज ने अपने खिताब में कहा कि मैंने इम्तियाज खान और उनके साथियों की कोशिश को करीब से देखा है, मैं उन सबको अपने मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी करवाता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इम्तियाज खान कब्रिस्तान के हसूल के लिए पहले भी MNA राशिद शफीक से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें राशिद शफीक ने अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कहा कि ये मसला हल करेंगे। इस पर मैं भी इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि एक वफद के साथ वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और MNA राशिद शफीक से मुलाकात करेंगे ताकि ये संगीन मसला हल हो सके। रुमान चौधरी, आलमगीर न्यूज़, रावलपिंडी।